दोस्तों जो आज का हमारा लेक्चर है वो है फंक्शंस एंड फील्ड के ऊपर। तो सबसे पहले हम फंक्शन को डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद करेंगे फील्ड को डिस्कस। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है वो है फंक्शन। अब हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। जो फंक्शन है ए फंक्शन एफ, अब एक कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज ए रूल विच एसोसिएट या कनेक्ट, विच कनेक्ट every element of a exactly one element of b। तो इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई दो सेट है, मान लीजिए एक सेट ये है ए सेट है और एक सेट ये है, ये बी हमारे पास है, ये ए है हमारे पास, ये बी है और इसके कुछ एलिमेंट है, मान लीजिए 1 2 3 4 और इसके मान लीजिए ए बी सी, इसके ये एलिमेंट है। तो इसका मीनिंग ये है कि जो वन की अब जो फंक्शन होगा वो फ्रॉम सेट ए टू बी होगा। अब जो वन से लेकर बी तक जो फंक्शन है, जो फर्स्ट है, इस सेट को हम कहते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन, और इसको कहते हैं कोडोमेन। अब अगर वन है जो वो कनेक्ट होगा ए से, तो हम कहेंगे कि जो वन की इमेज है वो ए है। अब जो फंक्शन का मीनिंग ये है कि जो वन है वो वन की इमेज केवल एक ही होनी चाहिए, इसकी इमेज दो नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये पॉसिबल हो सकता है कि जो टू एलिमेंट की इमेज एक हो, लेकिन ये पॉसिबल कभी नहीं होगा कि जो वन एलिमेंट है उसकी इमेज टू हो। टू एलिमेंट की इमेज सिंगल हो सकती है और इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी कोई इमेज ना हो। तो जो दो है वो कनेक्ट होना चाहिए बी से। हाँ, जो बी के अंदर जो ये हमारे पास कोडोमेन बी है उसके अंदर मान लीजिए एक सेट एक एलिमेंट है डी, तो अब अगर फोर से सी कनेक्ट हो गया तब हम इसको कहेंगे ये फंक्शन है। लेकिन जो ए के अंदर ऐसा एलिमेंट नहीं बचना चाहिए जिसकी इमेज ना हो। हाँ, ऐसा हो सकता है कि सेट बी के अंदर ऐसे एलिमेंट हो जिनकी कोई भी प्री इमेज ना हो। अब देखिए, जो एक की इमेज ए है और दो की इमेज बी है, ए है, तीन की इमेज बी है और चार की इमेज सी है। इसी प्रकार हम ये कह सकते हैं कि जो ए की प्री इमेज है वो वन है, ए की प्री इमेज टू भी है, बी की प्री इमेज थ्री है, सी की प्री इमेज फोर है और जो डी की कोई भी प्री इमेज नहीं है। तो हमारे पास जो सेट है ए सेट है उसको कहेंगे हम डोमेन, और जो हमारे पास सेट बी है उसको कहेंगे हम कोडोमेन, और हमारे पास जो सेट होगा, मान लीजिए ये हमारे पास पी सेट है और जिसमें ये एलिमेंट है मींस ए बी सी मींस एफ एक्स है। एफ एक्स का मीनिंग ये है कि जो इसके एलिमेंट है उनकी इमेज, अगर मैं जो हमारे पास सेट ए है उसकी इमेज का कलेक्शन करूं तो वो हमारे पास होगी, ये हमारे पास ए बी सी और इस सेट को हम बोलते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन, फंक्शन एफ। और आप यहां देख सकते हो कि जो रेंज है वो ऑलवेज सबसेट होगा कोडोमेन का, ये हमेशा होगा। हाँ, कभी कभी इक्वल भी हो सकता है
लेकिन जो आर है वो सबसेट होगा कोडोमेन का। और एक बात और आप ये ध्यान रखिए, जो एलिमेंट है ए में वो हमेशा इससे कम ही होंगे। मीन्स यहाँ जो एलिमेंट है, अगर हमारे पास यहाँ पर चार एलिमेंट है और यहाँ पर भी चार एलिमेंट है, तो जो इनकी इमेज है, जो इन सभी की इमेज है, वो हमारे पास इससे लेस देन होगी, कभी भी इनसे कम नहीं होगी। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास देख लीजिए जो ये है 1 2 3 4 और हमारे पास एक सेट है ये है ए बी सी डी ये। अगर 1 1 से कनेक्ट है तो 1 किसी दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकता, इसी प्रकार 2 बी से कनेक्ट होगा, 3 सी से और 4 डी से। तो आप यहाँ देख सकते हो जो इमेज है वो हमारे पास ए बी सी डी मैक्सिमम 4 एलिमेंट हो सकते हैं, मैक्सिमम 4 एलिमेंट हो सकते हैं, और इसके अंदर भी मैक्सिमम 4 है। मींस जो कोडोमेन है हमारे पास, जो हमारे पास डोमेन है, उसकी कार्डिनलिटी है जो, वो रेंज की कार्डिनलिटी से हमेशा या तो ग्रेटर होगी या इक्वल होगी। जो इसकी है वो रेंज की कार्डिनलिटी से हमेशा ग्रेटर होगी या इक्वल होगी, रेंज कभी भी इसकी कार्डिनलिटी से ग्रेटर देन नहीं हो सकती। तो इसका मीनिंग ये है हमारे पास। अब हम इसको फंक्शन को आगे डिफाइन करेंगे और दिस इज रिटन एज, और इसको हम लिखते हैं दिस इज रिटन एज एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसको बोलते हैं ऐसे है कि एफ एक फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इफ एफ एसोसिएट्स विद, जो ए एलिमेंट है वो हमारे पास ए सेट में है, द एलिमेंट बी है वो बी सेट का है, वी राइट एफ इक्वल्स बी। हम इसको लिखते हैं, अगर जो एफ हमारे पास फंक्शन है और जो ए एलिमेंट है वो सेट ए का है और जो बी एलिमेंट है वो सेट बी का है, अगर ए एलिमेंट बी से कनेक्ट हुआ तो हम ये लिखेंगे जो एफ ऑफ ए इक्वल्स बी होगा, ये होगा हमारे पास। और जो ए है वो हमने पहले ही डिफाइन की हुई है, ये है कोडोमेन डोमेन ऑफ द फंक्शन, तो ये होगा डोमेन ऑफ द फंक्शन ऑफ द फंक्शन, ये होगा। और इसी प्रकार द सेट आर, मान लीजिए सेट आर है और वो ऐसा सेट है सच दैट ए है जो वो बिलोंग्स करेगा सेट ए से, और इसको हम कहेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, रेंज ऑफ द फंक्शन। और नेक्स्ट है जो हमारे पास, और जो बी है उसको कहेंगे हम कोडोमेन ऑफ द फंक्शन, को डोमेन ऑफ द फंक्शन। और जो हमारे पास रेंज है वो ऑलवेज सबसेट होता है कोडोमेन का। तो जो ये हमारे पास मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे पास फंक्शन के हैं, और जो ये हमारे पास कुछ दूसरे कॉन्सेप्ट हैं वो ये है, नोट दैट उसको आप ध्यान रखिए कि फॉर ईच एलिमेंट
ऑफ ए. वी एसोसिएट ओनली, वी एसोसिएट एसोसिएट ओनली वन एलिमेंट, वन एलिमेंट ऑफ बी. और इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट ए का कोई भी एक एलिमेंट है तो वो केवल एक से ही कनेक्ट होगा, वो दो से कनेक्ट नहीं होगा, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. और जो सेकंड पॉइंट है वो ये, हमारे पास टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए, टू और मोर एलिमेंट ऑफ ए कुड बी एसोसिएटेड, कुड बी एसोसिएट एसोसिएट विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी, विद द सेम एलिमेंट ऑफ बी. और इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई दो या दो से ज्यादा एलिमेंट है कहीं सेट ए के, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि दो या दो से ज्यादा की जो इमेज है वो यूनिक हो, मीन्स एक ही हो, ऐसा पॉसिबल हो सकता है. अब हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ फंक्शन, टाइप ऑफ फंक्शन. टाइप ऑफ फंक्शन फर्स्ट है जो है वन वन फंक्शन, वन वन फंक्शन, वन वन ये. और जो वन वन फंक्शन है वो ऐसे डिफाइन करते हैं, ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी वन वन, वन वन. और वन वन को हम जो बोलते हैं वो इंजेक्टिव भी बोलते हैं, और इंजेक्टिव इफ डिफरेंट एलिमेंट ऑफ ए, एलिमेंट ऑफ ए आर एसोसिएट with different element of B, with different element of B. और इसका मीनिंग ये है, that is if A1 does not equals है A2 के, तो ये इंप्लाई करना चाहिए कि जो f ऑफ a1 होगा वो डज नॉट इक्वल होगा f ऑफ a2 का. तो इसका मीनिंग ये है कि जो ये स्टेटमेंट है, जो सेकंड वाली स्टेटमेंट है वो ओबे नहीं होनी चाहिए, जो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट है अगर वो ओबे नहीं होगी, इसका मीनिंग ये है ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए. अब यहां पर जो चेंज होगा, होगा ओनली वन एलिमेंट ऑफ ए मस्ट बी एसोसिएट विद ओनली वन एलिमेंट ऑफ बी, मीन्स एक एलिमेंट की ओनली ऑन एक ही इमेज होनी चाहिए, उसकी दो इमेज जो एक एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए. अब यहां पर जो दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए, बस ये है. और हम ये भी लिख सकते हैं, इफ अगर एलिमेंट हमारे पास सेम है तो उनकी इमेज है जो वो भी सेम होगी. आप या तो ये कर लीजिए या ये कर लीजिए. और फॉर ऑल A1 इक्वल A1 कोमा A2 जो है वो बिलोंग करेंगे सेट A से, तो इसका मीनिंग ये है वन वन का. अब हम जो करेंगे वो करेंगे ऑन टू फंक्शन. अब हमारे पास है ऑन टू फंक्शन. अब आपने ये काम करना है कि जो मैं राइट डाउन कर रहा हूं उसको आप कॉपी में उतार दे रहिए.
अब हमारे पास है वो फंक्शन है, वो है ऑन टू फंक्शन। जो सेकंड टाइप है वो है ऑन टू फंक्शन, और इसको हम सब्जेक्टिव भी बोलते हैं, सब्जेक्टिव। और ये है ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन एफ, ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी ऑन टू, या फिर सब्जेक्टिव इफ द रेंज ऑफ बी, इफ द रेंज ऑफ बी, द रेंज ऑफ बी, इफ द रेंज ऑफ एफ इज बी, इज बी। और इसका मीनिंग ये है, दैट इज फॉर ईच, इफ फॉर ईच, इफ फॉर ईच बी बिलोंग्स टू सेट डी, देयर इज एन ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए, सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स बी। तो इस डेफिनेशन का मीनिंग ये है कि जो रेंज है हमारे पास किसी भी फंक्शन की, जो रेंज है वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। और इसका सेकंड मीनिंग ये है कि हमारे पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसकी कोई भी प्री इमेज ना हो। अब मान लीजिए जो ये हमारे पास 1 2 3 और ये हमारे पास ए बी सी, तो इसके अंदर ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए कि इसकी प्री इमेज ना हो। जैसे 1 की इमेज अगर ए है, 2 की इमेज अगर बी है, और अगर हम 3 की इमेज भी बी कर दें, तो आप यहां देख सकते हो कि सी की कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो जो ये फंक्शन है वो हमारे पास ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। तो जो ये होगा 3 को जो सी से ही कनेक्ट होना पड़ेगा। और जो ये 1-1 डेफिनेशन है वो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई ये फंक्शन है 1 2 3 ए बी सी डी, तो जो इसके एक एलिमेंट है, अब आप इसको रन दीजिए, जो इसके यूनिक एलिमेंट है वो सिर्फ एक से ही कनेक्ट होने चाहिए, जो ये दो एलिमेंट है वो एक से कनेक्ट नहीं होने चाहिए। मीन्स अगर 1 1 से हो गया तो जो 2 है वो ए से नहीं होगा, और जो 2 है वो 3, जो 3 है वो भी ए से नहीं होगा। हाँ, 2 बी से हो सकता है। अगर 2 बी से हो गया तो जो 3 है वो ना ही तो बी से हो सकता है और ना ही ए से हो सकता है, तो ये सिर्फ सी से ही होगा। तो ये होगा हमारे पास 1 1 और ये होगा हमारे पास ऑन टू। तो जो ये फंक्शन है वो हमारे पास ये है। अब हमारे पास जो ये है, इफ ए फंक्शन इज बोथ, इफ ए फंक्शन इज बोथ 1 1 1 1 एंड ऑन टू। अगर हमारे पास कोई फंक्शन 1 1 भी है और ऑन टू भी है, इट इज कॉल्ड बाइजेक्टिव, और इसको हम बाइजेक्टिव या फिर बाइजेक्शन भी बोलते हैं। अब हम जो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं वो कर लेते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ अ फंक्शन, और कंपोजिशन का मीनिंग ये है। अब आप देखिए ध्यान से, अगर हमारे पास कोई सेट ये है, जो ए सेट है उसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और जो ये है हमारे पास बी सेट, और जो इसके अंदर एलिमेंट है 2
थ्री फोर फाइव सिक्स, ये हमारे पास ये सेट बी है। और जो अनदर सेट है वो मान लीजिए हमारे पास है जो वो है एक्चुअली में सी सेट, और जो वो है वो हमारे पास फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ये है हमारे पास। तब आप ए सेट को और बी सेट को और सी सेट को देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। अगर हमारे पास कोई फंक्शन एफ है फ्रॉम सेट ए टू बी, तो ये फंक्शन हमारे पास एफ होगा। और इसी प्रकार अगर हमारे पास कोई फंक्शन ये है तो ये होगा हमारे पास जी फंक्शन होगा। एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी एंड जी इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सी। तो अब हम जो कंपोजिशन है उसको डिफाइन करेंगे। अब हम डिफाइन, और मान लीजिए एक फंक्शन है जो हमारे पास सेट ए से लेकर सी तक है, और इस फंक्शन हम कहेंगे एच फंक्शन। अगर हम एफ फंक्शन को डिफाइन करें, एफ एक्स, जो एफ एक्स हमारे पास फंक्शन है वो एक्स प्लस वन है, और एफ इज ए फंक्शन, हम यहाँ पर सबसे पहले वो लिख लेंगे, एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू बी सच दैट कि जो हमारे पास एफ एक्स है वो हमारे पास एक्स प्लस वन है। और आप यहां देख सकते हो कि अगर हम ए के एलिमेंट में वन एडिंग कर दे तो वो टू के एलिमेंट बन जाएंगे। और इसी प्रकार जी इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू सी सच दैट जो जी एक्स है वो हमारे पास है एक्स प्लस टू, ये हमारे पास एक्स प्लस टू। जो फंक्शन एफ है वो ए से बी तक है, और जो फंक्शन बी जी है वो हमारे पास बी से सी तक है, और ये प्रॉपर्टी एफ एक्स ये फॉलो करेगा और जो जी एक्स वो फॉलो करेगा। अब देखिए, अब हम एक फंक्शन एच इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सी ये भी डिफाइन कर सकते हैं सच दैट कि जो एच एक्स है, अगर ए के एलिमेंट में मैं तीन एडिंग कर दूं तो मुझे मिलेगा, तो एक्सप्रेशन तो जो ये है वो हो गया हमारे पास एच ऑफ एक्स। अब अगर मैं एच को लिख दूं इन टर्म ऑफ एफ एंड जी, अगर मैं एच फंक्शन को लिख दूं इन टर्म ऑफ एफ एंड जी, तो जो ये फंक्शन है वो हमारे पास होगा कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब मान लीजिए हमारे पास जो फंक्शन है वो देखिए ध्यान से, जो हमारे पास है f of g, इसको ऐसे डिनोट करते हैं, और इसको हम लिखते हैं जो वो लिखते हैं f of gx। अब हमारे पास अब जो जी एक्स की वैल्यू है उसको रख दीजिए, जो जी एक्स की वैल्यू है वो हमारे पास है एक्स प्लस टू, तो ये होगा हमारे पास एक्स प्लस टू। अब आप एक्स को एक्स प्लस टू मानिए और रख दीजिए एफ एक्स में, तो एफ एक्स कहता है जो इनपुट है उसमें वन एडिंग कर दो, इसका मीनिंग ये है। अब देखिए, जो इनपुट है हमारे पास वो एक्स प्लस टू है, उसमें कितना एडिंग करना है वन, तो एक्स प्लस थ्री। और आप यहां से देख सकते हो कि जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास x प्लस थ्री है, और जो एच ऑफ एक्स है वो भी हमारे पास x प्लस थ्री है, तो हम यहां लिख सकते हैं एच ऑफ एक्स। तो इसका मीनिंग ये है कि जो हमारे पास एच फंक्शन है वो एक्चुअली में एफ ऑफ जी है। तो इसी को हम कहते हैं कंपोजिशन ओवर टू फंक्शन। थ्री फंक्शन की भी हो सकती है और मोर देन थ्री फंक्शन की भी हो सकती है, तो इस सिस्टम को हम कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन। अब हम जो दो हमारे पास इंपॉर्टेंट फंक्शन है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन, और ये है हमारे पास
आइडेंटिटी फंक्शन, इसको डिनोट करते हैं आई ए से आई ए। आइडेंटिटी फंक्शन इज फ्रॉम आई ए टू आई ए सच दैट जो आई ए होगा, जो इसकी इनपुट होगी ना वो ही आउटपुट के बराबर होगी। इसका मीनिंग ये है फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। जैसे हमारे पास अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो x के बराबर है, तो आप यहां देख सकते हो जो इसकी इनपुट है वही आउटपुट है, तो हम इसे कह सकते हैं कि जो ये फंक्शन है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है और फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन है। और जो सेकंड है वो हमारे पास है कॉन्स्टेंट फंक्शन। कॉन्स्टेंट फंक्शन और जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो हमारे पास एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट ए सच दैट एफ ऑफ ए इक्वल्स सी होगा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अब इसको एग्जांपल देख लीजिए। अब अगर हमारे पास एफ एक्स है वो अगर हमारे पास फाइव के बराबर है, तो आप फॉर ऑल x belongs to real number, अगर आप x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर सिर्फ 5 ही रहेगा, मीन्स जो ये फंक्शन है वो कॉन्स्टेंट ही रहेगा, और इस तरह का जो फंक्शन है उसको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट फंक्शन। अब हमारे पास एक नेक्स्ट थ्योरम है जो है थ्योरम 3, और जो थ्योरम 3 है ये सिंपल थ्योरम है, वो है फॉर एवरी फंक्शन f, फॉर एवरी फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट ए वी हैव जो है एफ ऑफ आई ए जो इक्वल होगा वो हमारे पास एफ के बराबर होगा, एंड जो हमारे पास आई ए ऑफ एफ है वो भी हमारे पास एफ के बराबर होगा। ये हमारे पास फंक्शन है। अब हम इसको इसके बराबर प्रूव करेंगे। अब देखिए जो एफ ऑफ आई ए है अगर हम उसको ऑपरेट करें एक्स के साथ, तो वो हमारे पास होगा, इसको लिखते हैं एफ ऑफ आई ए ऑफ एक्स, और आई ए ऑफ एक्स है वो एक्चुअल में आइडेंटिटी फंक्शन है, और जो आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि जो इसकी इनपुट है ना वही आउटपुट होनी चाहिए, तो ये हमारे पास होगा। तो आप यहां देख सकते हो कि जो एफ ऑफ ए एक्स है वो हमारे पास एफ एक्स है, तो यहां से एफ ऑफ आई आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ एक्स, तो यहां से हम ये इंप्लाई करेंगे कि जो एफ ऑफ आई ए है वो हमारे पास है। और इसी प्रकार अगर हम यहां करके देखें तो ये होगी आई ए ऑफ एफ, और इसको भी अगर हम एक्स के साथ ऑपरेट कराएं तो ये हमारे पास होगा आई ए ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो ये तो हमारे पास वैसे के वैसे ही है। अब देखिए जो आइडेंटिटी फंक्शन में इनपुट है वो एफ एक्स है, और आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि जो मेरी इनपुट है ना वही आउटपुट होनी चाहिए, तो ये होगा हमारे पास एफ ऑफ एक्स, तो ये जो आई ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो हम यहां से इंप्लाई करेंगे कि जो आई ऑफ एफ है वो एफ के बराबर है, जो आई ए ऑफ एफ है वो हमारे पास एफ के बराबर है, ये आई ऑफ ए होगा, तो यही इस थ्योरम का प्रूफ है। अब हम एक अनदर डेफिनेशन स्टार्ट करेंगे और उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन, और जो डेफिनेशन है वो ये है लेट एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, बी ए गिवन फंक्शन if
देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन, ए फंक्शन जी इज ए फंक्शन है और फ्रॉम सेट बी टू ए सच दैट जो हमारे पास एफ ऑफ जी है, एफ ऑफ जी वो इक्वल होना चाहिए जी ऑफ एफ के, और वो हमारे पास एक्चुअली जो एफ ऑफ जी है, ये है जो एफ ऑफ जी है वो होना चाहिए आइडेंटिटी फंक्शन, जो सेट जो फंक्शन बी है उसकी आइडेंटिटी फंक्शन होनी चाहिए, एंड जो जी ऑफ एफ है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ए के बराबर होना चाहिए। देन वी से दैट G is the inverse of F and we write हम लिखते हैं जो वो लिखते हैं G equals F inverse, ये होगा हमारे पास। अब इसका मीनिंग ये है, अब हमारे पास कोई फंक्शन है फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ गिवन फंक्शन, अगर देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन जी जो बी से ए में होगा सच दैट एफ ऑफ जी आइडेंटिटी ऑफ बी के बराबर होगा और जी ऑफ एफ आइडेंटिटी ऑफ ए के बराबर होगा, देन वी से दैट जी इज द इनवर्स ऑफ एफ, जो जी है वो हमारे पास इनवर्स होगा एफ का, एंड वी राइट जी इज इनवर्स ऑफ एक्स। इसका मीनिंग ये है, अगर मान लीजिए ए बिलोंग्स टू हमारे पास कोई रियल नंबर है और बी भी हमारे पास बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मीन्स आर स्टार ले लीजिए, आर स्टार का मीनिंग ये है कि अगर हम रियल नंबर में से जीरो को, जो जीरो एलिमेंट है उसको माइनस कर दें तो ये हमारे पास जो बचेगा वो रियल नंबर बचेगा, मीन्स इसमें जीरो एलिमेंट नहीं होगा। तो अगर हमारे पास ए बी आइडेंटिटी फंक्शन, अब देखिए जो अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो जो मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी फंक्शन होता है, आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, वो वन के बराबर है। तो देन तब हम ये कहेंगे कि जो बी है वो हमारे पास वन ओवर ए होगा, या फिर जो बी है वो हमारे पास ए का इनवर्स। तो इसका मीनिंग यही है कि जो इन्वर्टिबल फंक्शन है वो ऐसा होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो है इन्वर्टिबल फंक्शन। और जो ये है वो है थ्योरम फोर। और थ्योरम फोर ये है ए फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी हैज एन इनवर्स If and only if, और इसको हम लिखते हैं if f is bijective। इसका मीनिंग ये है कि हमारे पास अगर कोई भी फंक्शन है अगर वो bijective हुआ तो वो invertible होगा, अगर वो फंक्शन invertible हुआ तो वो bijective होगा। तो जो ये कंडीशन है वो हमारे पास necessary and sufficient की कंडीशन है, तो हम इसको जो थ्योरम हमारे पास प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानकर चलेंगे जो प्रूफ है, इसका प्रूफ है वो है द कंडीशन इज नेसेसरी। और नेसेसरी कंडीशन में ये होता है कि जो हमें दिया है, जो हमें गिवन है वो है f इज ए फंक्शन फ्रॉम a टू b हैज एन इनवर्स, कि वो फंक्शन इन्वर्टिबल है और हमने प्रूफ करना है कि वो बाइजेक्टिव है। और सुफिशियंट कंडीशन में ये होता है कि जो फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है और प्रूफ करना है इनवर्स। तो ये होगा सपोज एफ इज, तो हम ये मानकर चलेंगे सबसे पहले सपोज एफ
इज बाइजेक्टिव, इज बाइजेक्टिव। तो हमारे पास जो ये है वो हम मानकर चलेंगे कि कंडीशन नेसेसरी में कि जो गिवन फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, तो हमने ये प्रूव करना होगा कि वो इन्वर्टिबल है। अब जो बाइजेक्टिव फंक्शन है, आप उसकी डेफिनेशन को देखिए, जो बाइजेक्टिव फंक्शन है वो हमेशा वन वन एंड ऑन टू फंक्शन जरूर होगा। तो ये होगा सपोज एफ इज बाइजेक्टिव, वी शैल डिफाइन, वी शैल डिफाइन जी, जी इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट बी टू ए एंड देन प्रूव दैट, एंड देन प्रूव दैट, प्रूव दैट, और तब हम प्रूव करेंगे कि जो जी है वो एफ का इनवर्स है, ये हम प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हमें जो ये फंक्शन है वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव का मीनिंग ये है कि वो वन वन भी है और ऑन टू भी है, तो हम यहां प्रूव करेंगे इसको। तो ये जो है, अब हम मानकर चलेंगे लेट बी जो एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा सेट बी में, सिंस एफ इज ऑन टू, सिंस एफ इज ऑन टू। अब जो फंक्शन एफ है वो बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव है तो वन वन और ऑन टू दोनों होगा, तो ये एफ इज ऑन टू है। देयर इज सम, देयर इज सम कि हमारे पास कोई एलिमेंट ए होगा जो ए में बिलोंग्स करेगा, सच दैट, सच दैट जो एफ ऑफ ए है, जो एफ ऑफ ए है वो बी के बराबर होगा। और जो ऑन टू फंक्शन है वो यही कहता है कि अगर कोई फंक्शन ऑन टू है तो यहां जो हर एक एलिमेंट बी में बिलोंग्स करेगा उसकी जो प्री इमेज जरूर होनी चाहिए, या फिर हमारे पास जो ए में एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जिसकी जो इमेज है वो बी है। तो हमने यही लिख दिया कि जो ए की इमेज है वो हमारे पास बी है, तो ये होगा। एंड एंड एज एफ इज वन वन, और जो ये बाइजेक्टिव है तो बाइजेक्टिव का मीनिंग वन वन है, और वन वन फंक्शन ये कहता है कि जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए, जो एक ही एलिमेंट की एक ही इमेज होनी चाहिए, दो एलिमेंट की एक इमेज नहीं होनी चाहिए। तो इसका मीनिंग ये है, एज एफ इज वन वन तो जो ए होगा वो हमारे पास यूनिक होगा, तो ये एफ इज वन वन, देयर इज ओनली सो ए इज यूनिक, तो जो ए होगा वो हमारे पास यूनिक होगा। वी टेक दिस यूनिक एलिमेंट ए, वी टेक दिस यूनिक एलिमेंट, जो यूनिक एलिमेंट ए है, एलिमेंट ऑफ ए एज एफ बी, उसको हम ऐसा लेंगे, क्यों, क्योंकि जो हमने फंक्शन डिफाइन करना है वो फंक्शन फ्रॉम बी टू ए डिफाइन करना है, तो फंक्शन बी में जो एलिमेंट होंगे, जो हमारे पास बी में एलिमेंट होंगे वो बी के होंगे। अब देखिए आप ध्यान से, जो एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, इसमें कुछ एलिमेंट है एक दो तीन ऐसे, इसमें ए बी सी, इसमें ये एलिमेंट है। अब हमने एक फंक्शन ऐसा डिफाइन करना है, यहाँ पर बी ले लीजिए, यहाँ पर ए, जो फंक्शन बी से ए में हो और ये फंक्शन जी होगा, तो जो ये एलिमेंट है हमारे पास, जो इसके एलिमेंट है वो एक्चुअली में बी वन बी टू बी थ्री होंगे, और यहाँ पर होंगे जो होंगे ए वन ए टू और ए थ्री, यहाँ पर ई होंगे। अब जो एलिमेंट होंगे बी वन वो ये होंगे, अब देखिए जो बी वन एलिमेंट है, जो बी में एलिमेंट है वो ये होंगे, और उसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो हमारे पास एफ ऑफ बी है, जो बी की इमेज है वो एक्चुअली में ए है, जो बी की इमेज एक्चुअली में वो ए है, तो इसका मीनिंग ये है। तो
तो दिस यूनिक एलिमेंट ऑफ ए एस एफ ए, तो ये होगा, दैट इज, इसका मीनिंग ये है, दैट इज गिवन बी, गिवन बी बिलोंग्स टू बी, कि जो बी है वो एलिमेंट है बी का, वी डिफाइन, वी डिफाइन जो जी ऑफ बी है वो हमारे पास ए के बराबर होगा, तो ये होगा वेयर, वेयर जो हमारे पास ए है, जो ए है वो एक्चुअली में एफ ऑफ ए है, जो हमारे पास बी है वो एक्चुअली में एफ ऑफ ए ये है, क्यों, क्योंकि जो हमने एफ ऑफ ए लिया था वो हमारे पास बी था, तो जो बी होगा यहां पर वो एफ ऑफ ए होगा, तो इसका मीनिंग ये है, नोट दैट, नोट दैट सिंस एफ इज ऑन टू, सिंस एफ इज ऑन टू, कि जो एफ है वो ऑन टू है, जो हम यहां पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, तो जो बी होगा, तो जो बी होगा ना वो एक्चुअल में रेंज के बराबर ही होगा, क्योंकि जो ऑन्टो फंक्शन है वो ये कहता है कि जो रेंज है ना वो कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए, जो कोडोमेन है हमारे पास वो बी सेट है, तो जो बी होगा वो हमारे पास रेंज के बराबर होगा, और जो रेंज को हम एक्चुअल में डिफाइन करते हैं वो एफ ओ ए से डिफाइन करते हैं, सच दैट जो ए बिलोंग्स टू सेट ए, इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं, तो जो बी सेट होगा वो एफ ओ ए, सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए, देन वी से दैट, देन वी आर सिंपली डिफाइन, then we are simply define, then we are simply defining f is a function from set b to a, तो अब हम जो function g है, जो g is a function from b to a, वो simply define कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहां पर जो b के एलिमेंट की इमेज है, जो b के एलिमेंट की इमेज है वो हमारे पास a में जरूर है, तो हम यहां पर ये डिफाइन करेंगे बाय, तो इसके हम द्वारा ये कर सकते हैं कि g o, अब देखिए, अब आप यहां पर देखिए, जो ये हमारे पास b इक्वल्स f ऑफ a g, तो जो g है, अब b का जो वैल्यू है वो f ऑफ a है, तो हम यहां पर f ऑफ a ऐसे लिख सकते हैं, और ये है हमारे पास जो f ऑफ a है वो एक्चुअली में b के, जो हमारे पास f ऑफ a है वो b के बराबर है, और जो g ऑफ b मींस g, जो b के स्थान पर हम यहां ये लिख देते हैं, पहला जो g ऑफ b है वो हमारे पास है a के बराबर, और यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो g है और जो b का वैल्यू है वो हमारे पास है f ऑफ a, तो f ऑफ a ये होगा, वो होगा हमारे पास a के बराबर, ये होगा, दिस ऑटोमेटिकली इंश्योर दैट, अब देखिए यहां पर जो ये है g of f of a equals a, means जो इनपुट है, जो इसकी इनपुट है वही हमारे पास बराबर है, तो हम यहां कह सकते हैं, अब देखिए जो इसका मीनिंग ये है, तो ये होगा g of f of, यहां पर होगा जो वो होगा a, और वो हमारे पास ए के बराबर ही है, तो हम यहां से ये इंप्लाई कर सकते हैं, अगर ये इसके बराबर है तो हम यहां से ये कहेंगे कि जो आई ऑफ ए होगा, तो अब देखिए जो ये होगा सिंपली जी ऑफ एफ वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होगा, और जो जी ऑफ एफ एक्चुअली में जो जी ऑफ एफ है वो आइडेंटिटी ऑफ ए फंक्शन है, तो यहां पर होगा आइडेंटिटी ऑफ ए फंक्शन, इसका मीनिंग होगा, अब हमने जो प्रूफ कर दिया वो कर दिया g of f equals e, अगर हम ये और प्रूफ कर दें कि जो f of g है वो भी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है, तो यहां से ये प्रूफ हो जाएगा कि जो g है वो इनवर्टिबल है फंक्शन f का, तो ये होगा, तो आगे हम यहां पर लिखेंगे, अब हमने ये प्रूफ कर दिया कि जो g of f है वो आइडेंटिटी फंक्शन a के बराबर है, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो f of g है वो आइडेंटिटी फंक्शन b के बराबर है, तो ये प्रूफ हो जाएगा कि जो g है वो f का इनवर्स है, तो ये होगा, अब नेक्स्ट अगर हम लेट करें कोई b एलिमेंट है वो सेट b में बिलोंग करता है,
देन देन इफ अगर हमारे पास कोई फंक्शन जी है जो हमने यहाँ पर डिफाइन किया है, जी ऑफ बी है और जो बी की इमेज है वो हमारे पास ए है, देन देन तब होगा वी मस्ट हैव, वी मस्ट हैव। अब जो हमारे पास बी है, जो एफ ऑफ ए है वो हमारे पास बी के बराबर है, क्योंकि जो ए है वो इमेज बी की है, वो हमने शुरू में ही मानकर चले थे, ये हम मानकर चले थे। अब देखिए यहां से ये इंप्लाई करेगा जो एफ है, जो ए का वैल्यू है वो हमारे पास जीओ बी है, तो यहां से हम जीओ बी रिप्लेस कर देंगे जो इक्वल बी के बराबर होगा। तो यहां से ये इंप्लाई होगा कि एफ ऑफ जीओ यहां पर जो बी होगा, और जो बी है वो एक्चुअली में आइडेंटिटी एलिमेंट है सेट बी का, तो ये होगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट बी ऑफ बी, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो आइडेंटिटी एलिमेंट बी है वो एक्चुअली बी को ऐसे ट्रीट करेंगे। तो हम यहां से ये इंप्लाई करेंगे कि जो एफ ऑफ जी है वो आइडेंटिटी फंक्शन बी के बराबर, और ये कंडीशन मान लीजिए सेकेंड है और ये कंडीशन मान लीजिए फर्स्ट है। तो यहां से फ्रॉम फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू, वन एंड टू वी हैव, वी हैव जो जी है वो एफ का इनवर्स होगा, तो ये यहां से प्रूफ हो गया। अब हम जो नेक्स्ट प्रूफ करेंगे वो करेंगे, अब हम इसका रिवर्स प्रूफ करेंगे, मींस जो गिवन होगा वो हमारे पास ये होगा कि जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है, और हम प्रूफ करेंगे कि ये फंक्शन हमारे पास बाइजेक्टिव होगा। तो उसके लिए हमने जो वन वन और ऑन टू ये दोनों प्रूफ करने पड़ेंगे, तो अब हम इसका रिवर्स प्रूफ करेंगे। और जो इसका रिवर्स होगा वो हमारे पास एक्चुअली में होगा कन्वर्सली, कन्वर्सली सपोज एफ हैज एन इनवर्स, सपोज एफ हैज एन इनवर्स, कि हमारे पास कोई फंक्शन एफ है उसका इनवर्स है, एंड लेट एंड लेट जो जी है वो हमारे पास एफ का इनवर्स है। वी मस्ट प्रूव दैट, वी मस्ट प्रूव दैट जो होगा एफ इज वन वन, एफ इज वन वन, वन वन होगा एंड ऑन टू, एंड ऑन ये होगा हमारे पास, तो हमने ये प्रूफ करना है। अब हम लेकर चलेंगे सपोज, अब हमें पता है अगर हमने कोई भी चीज प्रूफ करनी है तो उसके लिए हम लेकर ये चलते हैं कि जो एफ ऑफ ए वन वो इक्वल होगा अगर एफ ऑफ ए टू के लिए, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि जो ए वन है वो इक्वल ए टू होगा तो जो ये फंक्शन है वो हमारे पास वन वन हो जाएगा। तो हम ये प्रूफ करेंगे कि जो फंक्शन हमारे पास गिवन है वो एक्चुअली में वन वन है, तो इसको ये प्रूफ करेंगे। तो हम मानकर चलेंगे लेट सपोज एफ ऑफ ए वन इक्वल्स है एफ ऑफ ए टू, और यहां पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए वन कोमा ए टू बिलोंग्स टू हमारे पास जो सेट ए है वो होगा, देन तो अब हम यहां पर जो एफ ऑफ ए वन इक्वल्स एफ ऑफ ए टू होगा, अब हम यहां पर जो जी है वो दोनों तरफ ऑपरेट कर सकते हैं, तो ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ ए वन, ये होगा जी ऑफ एफ ऑफ ए टू, ये होगा हमारे पास, क्यों, क्योंकि जो जी है वो इन्वर्टिबल है, तो हम यहां दोनों तरफ इसको ऑपरेट कर सकते हैं, और या फिर अगर एफ ए वन इक्वल्स एफ ए टू है तो जो जी फंक्शन की ये इमेज है
जो ये हमारे पास जो जी फंक्शन है उसका जो एलिमेंट ये है, और उसकी अगर हम इमेज लें तो ये दोनों तरफ ऑपरेट करके आ जाएगी। तो अब देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं। सो जी ऑफ एफ ऑफ, ये होगा हमारे पास ए वन, जी ऑफ एफ ऑफ ए टू होगा। लेकिन ध्यान से देखिए, अगर कोई फंक्शन हमारे पास इन्वर्टिबल है तो हमारे पास ये गिवन है कि जो जी ऑफ एफ है और एफ ऑफ जी है वो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर होते हैं। तो यहाँ से ये लिखेंगे हम, जो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो जी ऑफ एफ है, जो जी ऑफ एफ है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए वन इक्वल्स, और ये है आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ बी ए टू। और यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा, अब जो आइडेंटिटी फंक्शन ये है कि जो उसकी इमेज है ना, जो इसका एलिमेंट है वही इसकी इमेज होनी चाहिए, मीन्स जो इसकी इनपुट है वही इसकी आउटपुट होना चाहिए, मीन्स ए वन इक्वल्स ए टू। तो हम यहाँ से ये इम्प्लाई करेंगे, हेंस एफ इज वन वन वन। अब हम प्रूव करेंगे कि जो एफ है वो ऑन टू होगा, हेंस एफ इज वन वन। तो अब हम ये प्रूव करेंगे, सो एफ इज वन वन। अब फाइनली अब हम लेकर चलेंगे, गिवन गिवन बी बिलोंग्स टू सेट बी, क्यों बी हमारे पास कोई एलिमेंट है जो सेट करेगा बी से बिलोंग्स। वी हैव कि हमें प्राप्त होगा जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बी के बराबर होता है, जो एफ ऑफ जी है वो हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन बी के बराबर होता है, ये हमें पता ही है। सो दैट यहाँ से होगा, जो अगर हम ये ऑपरेट कर दें, जो एफ ऑफ जी ये बी होगा हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑफ बी इक्वल्स होगा आइडेंटिटी फंक्शन बी के बराबर, ये हमारे पास। अगर इसका हम एलिमेंट लें तो ये भी इसके बराबर, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू होगा, तो ये हमारे पास, और ये हमारे पास आइडेंटिटी फंक्शन एक्चुअली में बी के बराबर ही होता है। तो दैट इज एफ ऑफ, और इसका मीनिंग ये एफ ऑफ जी ऑफ बी है जो वो एक्चुअली में बी के बराबर है। तो सो दैट इसलिए इसका मीनिंग ये है कि हम जो लेकर चले थे वो एलिमेंट बी है, वो बी में लेकर चले थे। तो ये है, सो दैट गिवन जो बी होगा अगर वो बी में बिलोंग्स करेगा तो उसकी जो इमेज है वो पक्का कुछ न कुछ जरूर होगी। तो इसका मीनिंग ये है, तो सो दैट बी देयर इज जी बी बिलोंग्स टू ए such that जो ये होगा वो होगा एफ ऑफ जी ऑफ बी है जो वो हमारे पास बी के बराबर होगा। दैट इज जो इसका मीनिंग ये है वो है एफ इज ऑन टू, एफ इज ऑन, ये होगा हमारे पास। अब हमने जो ये सेकंड में ये प्रूव कर दिया कि अगर हम कोई भी एलिमेंट बी का लेकर चले तो जो उसकी फ्री इमेज है वो जरूर होगी। तो इसका मीनिंग ये है कि जो रेंज है वो हमारे पास एक्चुअल में कोडोमेन के बराबर ही है। तो हम यहाँ से अब जो ये कंडीशन है वो माने, सो दैट एफ इज वन वन। तो यहाँ से अभी ये फर्स्ट मान लीजिए, ये थर्ड मान लीजिए, और ये हमारे पास है फोर्थ। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ वी हैव एफ इज बाइजेक्टिव। तो हमने ये ही प्रूव करना था। अब जो फंक्शन था हमारे पास वो ये था कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन है वो इन्वर्टिबल होगा अगर वो बाइजेक्टिव है, या फिर अगर कोई फंक्शन बाइजेक्टिव है तो वो इन्वर्टिबल होगा। अब हम जो आगे डिस्कस करेंगे वो करेंगे बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। तो सबसे पहले हम बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। अब हम जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है उसको अच्छे से समझेंगे। तो हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन है
बाइनरी ऑपरेशन। तो ये है जो वो है ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट एस। अब ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस, फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस है। और इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, बाइनरी फंक्शन है जो एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम एस क्रॉस एस टू एस। अब आप यहां देख सकते हो कि जो इसकी इनपुट है वो हमें ऑर्डर पेयर में मिलेगी और जो इसकी आउटपुट है वो सिंगल एलिमेंट होगा। तब हम यहां ये भी कह सकते हैं जो एफ में अगर हम इनपुट डालें तो एफ ए कोमा बी होगा और वो आएगी हमारे पास ए स्टार बी होगी। और यहां पर जो स्टार है वो ऑपरेशन लगाना है बिटवीन टू एलिमेंट्स, और जो ये होगी वो मान लीजिए सी एलिमेंट है और सी एलिमेंट वो बिलोंग्स करेगी सेट एस से, और जो ये है वो हमारे पास यूनिक होगी, जो ये है वो यूनिक होगी। तो ये है हमारे पास डेफिनेशन ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। अब हम कुछ पॉइंट लिखेंगे बाइनरी ऑपरेशन के बारे में। डेफिनेशन लिखेंगे सबसे पहले, तो ये है हमारे पास ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए सेट एस, ऑन ए सेट एस जो डज नॉट इक्वल्स फाई के मीन्स नॉन एम्प्टी सेट है, इज सेट टू बी, इज सेट टू बी। अब हमारे पास जो फर्स्ट है वो है, अब हम जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको क्लोज्ड कहेंगे, क्लोज्ड ऑन ए, क्लोज्ड ऑन ए सबसेट, सबसेट टी ऑफ एस। अब देखिए टी हमारे पास कोई सबसेट है एस का, तब हम जो बाइनरी ऑपरेशन है उसको क्लोज्ड कहेंगे इन सेट टी में अगर इफ इफ टी वन स्टार टी टू, अगर हम टी वन और टी टू दोनों को ऑपरेट करें विद अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार और वो हमारे पास बिलोंग्स कर जाए टी में और फोर आर, और जो एलिमेंट हो जो ये टी वन और टी टू हो वो बिलोंग्स करने चाहिए टी में, तो तब हम कहेंगे इसको ये क्लोज्ड है। इसका मीनिंग ये है, हमने कोई भी दो एलिमेंट लिए T1 और T2 इन सेट T में से जो सबसेट है S का, अगर हम उन दोनों को ऑपरेट करें विद अ बाइनरी ऑपरेशन और हमारे पास जो थर्ड एलिमेंट हो वो भी T में बिलोंग्स करे, तब हम कहेंगे इसको क्लोज्ड है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव होगा इफ अगर ए वन स्टार ए स्टार बी है जो वो बी स्टार ए के बराबर होगा फॉर ऑल ए कॉमा बी इन सेट एस में, और जो थर्ड है सी प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव, एसोसिएटिव ये होगा इफ, और ये होगा हमारे पास ए स्टार बी। सबसे पहले हम इसको ऑपरेट करें और फिर जो रिजल्ट है उसको अगर हम सी के साथ ऑपरेट करें, और अगर ये बराबर हो ए को वैसे लेना है और बी स्टार सी को पहले ऑपरेट करना है और फिर इसके रिजल्ट को इसके साथ ऑपरेट करना है, अगर ये बराबर हो तब हम कहेंगे जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एसोसिएटिव है और फॉर ऑल ए बी सी है जो वो बिलोंग्स करने चाहिए सेट ए में। तो ये हमारे पास है सम डेफिनेशन ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन। तो अब हमारे पास नेक्स्ट है डेफिनेशन वो है लेट ओ एंड स्टार, लेट
small o and star are two binary operations. Are two binary operations. On a set S, if there is an element, अगर हमारे पास कोई element है, A belongs to, if O and star are two binary operation on a set S, we say that यहां पर आएगा तो वो आएगा we say that star is distributing over o if जो a star B O is a binary operation. अगर हम A को जो हमारे पास स्टार है इसको A स्टार को ऑपरेट करें B O is a binary operation और C के साथ, तो अगर ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट का मीनिंग ये है कि A स्टार है सबसे पहले B के साथ ऑपरेट होगा, तो ये होगा A स्टार B, और फिर जो बाइनरी ऑपरेशन है वो O है, और फिर जो A स्टार है अगर वो ऑपरेट हो जाए सी के साथ तो ये होगा ए स्टार सी, तब हम कहेंगे जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूटिव है ओवर ओ। और इसी प्रकार अगर हमारे पास बी ओ ये सी है, और इसी प्रकार अगर हम ये है तो जो बी है जो ए स्टार है वो ए के बी के साथ ऑपरेट होना चाहिए, मींस बी स्टार ए ओ, और इसी प्रकार सी स्टार ए, तो सी स्टार ए, तो जो ये होगा हमारे पास तब हम कहेंगे जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा ओवर ओ। तो ये हमारे पास डेफिनेशन है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है इसी से रिलेटेड वो ये है, लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑपरेशन On a set S, if there exists an element A belongs to set S such that if there exists an element E आएगा यहाँ पर आएगा E belongs to S such that for all, अगर A है जो वो हमारे पास S से belongs करेगा, तो जो अगर हम A को E के साथ operate कराएं, अगर वो A के बराबर ही आ जाए तब हम कहेंगे and, और जो ये है वो E star A, अगर ये दोनों बराबर आ जाए तब हम कहेंगे जो E है वो identity element है with respect to binary operation star, तो हम कहेंगे then E is called an identity element for star ये होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट थ्योरम है वो ये है कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो यूनिक होगी हर एक बाइनरी ऑपरेशन स्टार के लिए, और जो इसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा, तब हम यहां पर जो थ्योरम है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो थ्योरम है वो ये है, थ्योरम 5, और ये है लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन
लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट एस ऑन अ सेट एस जो इक्वल नहीं है फाइव के, तब देन तो ये होगी इफ स्टार हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट. फर्स्ट है इफ स्टार हैज एन आइडेंटिटी एलिमेंट इट मस्ट बी यूनिक क्यों यूनिक हो. और जो सेकंड है हमारे पास स्टेटमेंट वो ये है इफ स्टार इज एसोसिएटिव एंड एस बिलोंग्स टू एस एंड कोई एलिमेंट फॉर ऑल एस कोई एलिमेंट है वो बिलोंग्स करेगा सेट ए से हैज एन इनवर्स या फिर हम फॉर ऑल ना भी लगाए क्यों, क्योंकि अगर हमारे पास कोई जीरो एलिमेंट है तो यहां पर जो एस बिलोंग्स एस स्टार और एस स्टार का मीनिंग ये है कि यहां पर जो जो हमारे पास एस है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, या फिर जो एस सेट में से अगर हम जीरो को अलग कर दें तो ये होगा हमारे पास एस सेट. तो देयर हैज एन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू स्टार इट मस्ट बी यूनिक कि वो यूनिक होगा. तो हमने जो ये दो थ्योरम है उनका प्रूफ करना है. तो अब हम प्रूफ करेंगे. अब हमने यूनिक के लिए प्रूफ ये करना होता है कि अब हम कोई दो एलिमेंट लेकर चलते हैं और उनको ये प्रूफ कर देते हैं कि वे दोनों है ना जो वो इक्वल होंगे, तो ये यूनिकनेस प्रूफ करेगी. तो हम यहां लिखेंगे इफ पॉसिबल लेट इवन एंड ए टू बी टू आइडेंटिटी एलिमेंट फोर स्टार. अब देखिए जो आइडेंटिटी एलिमेंट ये कहती है कि अगर मुझको किसी भी एलिमेंट के साथ ऑपरेट कराओ जो हमारे पास आइडेंटिटी ए टू है तो वो हमारे पास वही एलिमेंट देती है. अब हम ये मानकर चलेंगे जो इवन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो ई टू है वो एलिमेंट है सेट एस का, तब हम इवन प्राप्त करेंगे. और इसी प्रकार अगर हम ये मानकर चले जो इवन स्टार ई टू कि जो ई टू है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है और जो इवन है वो एलिमेंट है, तो हम यहां पर ई टू मिलेगा और यहां पर इवन मिलेगा. अब देखिए जो ये है वो इक्वल है, तो यहां से ये इंप्लाई करेगा कि जो इवन है वो इक्वल है ए टू के एंड आइडेंटिटी ई इज यूनिक और ये हमारे पास मान लीजिए ई है, जो ये होगी वो हमारे पास ई के बराबर होगी, तो ये हमारे पास यूनिकनेस होगी. अब हम सेकंड ये प्रूव करेंगे कि जो एस है वो बिलोंग्स करेगा एस स्टार में. तो हम यहाँ पर यही लेकर चलेंगे कि जो ए और बी है अगर पॉसिबल हो तो दो इनवर्स होंगे एस के. तो हम यहाँ पर लेकर चलेंगे लेट इफ पॉसिबल ए एंड बी बी टू इन एलिमेंट in as such that कि जो a का inverse है, जो हमारे पास s का inverse है
वो भी ए के बराबर होगा, एंड जो एस का इनवर्स है वो भी हमारे पास बी के बराबर होगा। तो हम ये प्रूव करेंगे जो ए है वो एक्चुअली बी के बराबर ही होगा। तो हम यहाँ पर प्रूफ ये करेंगे, अब देखिए अगर ये है हमारे पास तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि जो ये होगा एस स्टार ए है। अब जो ए है वो इनवर्स है एस का, तो हमें यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा और इसको हम ए स्टार एस भी लिख सकते हैं। और इसी प्रकार जो एस है उसका इनवर्स बी भी है, तो यहाँ भी हमें आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलेगा। तो ये होगा जो वो हमारे पास होगा बी स्टार एस के बराबर। अगर हम ये लेकर चले कि जो बी इक्वल्स है, अब हमारे पास बी इक्वल्स है तो इसको हम लिख सकते हैं जो ये होगा बी होगा, या फिर ए लेकर चले, अगर हम यहाँ पर ए लेकर चले तो इसको लिख सकते हैं ए स्टार ई, और यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट ई है। तो हमें यहाँ से ये प्राप्त होगा कि जो ए है स्टार, अब हम जो ई का वैल्यू है वो रखेंगे हमारे पास ये, तो ये होगा एस स्टार। अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारे पास ये है जो ये स्टार है वो गिवन है कि एसोसिएटिव है, यहाँ पर गिवन है इफ स्टार इज एसोसिएटिव, तब हम यहाँ पर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। तो यहाँ से ये इंप्लाई होगा जो ए इक्वल्स ए स्टार एस और स्टार बी होगा। तो यहाँ से ये इंप्लाई करेंगे जो ए है, अब जो ये टर्म है वो आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होती है, और स्टार बी क्योंकि ए स्टार एस है जो वो हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के इक्वल है, और यहाँ से ये इंप्लाई होगा जो ए है वो इक्वल, और ई स्टार बी और बी एलिमेंट है तो यहाँ पर बी के बराबर होगा। हैंस इनवर्स इज यून, हैंस इनवर्स इज यून। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, वो है फील्ड। तो अब हम इसके बाद जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे फील्ड के ऊपर डिस्कस। अब हम फील्ड के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो फील्ड है वो लीनियर अलजेब्रा की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फील्ड समझ में नहीं आता तो आप लीनियर अलजेब्रा का एक भी कॉन्सेप्ट नहीं समझ सकते। तो आपको मैं एडवाइस ये दूंगा कि जो फील्ड का टॉपिक है वो उसको आप बहुत अच्छे से समझें। तो हमारे पास जो फील्ड है वो ये है, जो फील्ड की डेफिनेशन है वो बिल्कुल अच्छे से समझनी है, वो ये है लेट पॉजिटिव एंड डॉट, और डॉट का मीनिंग ये है कि मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन, बी टू बाइनरी ऑपरेशंस, बी टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, और जो सेट है उसको हम डिनोट करेंगे एफ से, द सेट एफ इज कॉल्ड ए फील्ड कि ये फील्ड होगा अगर इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड, इफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज होल्ड फॉर ऑल ए बी सी है तो वो एलिमेंट होगा हमारे पास फील्ड एफ के, तो ये होगा। अब हम इसको अच्छे से समझते हैं, तो ये है फर्स्ट है जो वो हमारे पास, अब ये है एडिशन की प्रॉपर्टी है। अब हमारे पास
फोर या फिफ्थ है जो वो एडिशन की प्रॉपर्टी है, और जो एडिशन की प्रॉपर्टी है वो ये है कि पॉजिटिव इज एसोसिएटिव, पॉजिटिव इज एसोसिएटिव, और इसका मीनिंग ये है कि ए प्लस बी, अगर हम इसमें बाद में सी ऐड करें तो हमारे पास ये होगा ए प्लस बी प्लस सी, ये हमारे पास इसके इक्वल होगा। और फिर जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास सेकंड एडिशन की प्रॉपर्टी, और जो सेकंड एडिशन की प्रॉपर्टी है वो ये है देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव या फिर एडिशन डिनोटेड बाय जीरो। हम जो एडिशन की आइडेंटिटी है वो जीरो से डिनोट करते हैं, सच दैट जो ये होगी वो ही ए प्लस जीरो। अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसमें हम ऐड कर दे जीरो तो वो इक्वल होगा जीरो प्लस ए के, और वो ए के ही इक्वल होगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास जीरो एलिमेंट। अब है एडिशन की हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी, और जो एडिशन की थर्ड प्रॉपर्टी है फॉर एवरी एलिमेंट ए जो बिलोंग्स करेगा एफ से हैज एन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये होगा। और इसका मीनिंग ये है फॉर ऑल ए इन एफ कि हमारे पास कोई भी एलिमेंट है जो एफ में है, देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू एफ सच दैट ये होगा जो ए प्लस बी है इक्वल होगा बी प्लस ए के, और ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो के होगा। और यहां से हम ये इंप्लाई करेंगे कि जो बी है वो होगा नेगेटिव ऑफ ए, और जो बी होगा हमारे पास बी इज द इनवर्स ऑफ ए, ये है हमारे पास थ्री प्रॉपर्टी। और जो फोर्थ प्रॉपर्टी है एडिशन की वो है हमारे पास एडिशन इज कम्यूटेटिव, और इसका मीनिंग ये है कि अगर हम कोई भी दो एलिमेंट ले उसको ऐड कर दें तो उनका ऑर्डर मैटर नहीं करता कि हम किस ऑर्डर से ऐड कर रहे हैं, या तो ए में बी ऐड कर दो या फिर बी में ए ऐड कर दो तो ये इक्वल ही होंगे, तो ये होगी हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी सेट है वो ये चार प्रॉपर्टी होल्ड करता है, मीन्स फर्स्ट ये करता है कि जो पॉजिटिव है एसोसिएटिव है, और सेकंड आइडेंटिटी एलिमेंट भी है, और थर्ड है जो वो इनवर्स भी है, और फोर्थ है जो वो कम्यूटेटिव है, तो ऐसा इस सेट को हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप, इस सेट को हम कहेंगे अबेलियन ग्रुप, तो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो जो हमारे पास ये डेफिनेशन है फील्ड की उसको ये भी कह सकते हैं कि जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है ये वो ये होना चाहिए कि जो ये ग्रुप है वो अबेलियन ग्रुप होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसको हम ग्रुप थ्योरी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास फोर प्रॉपर्टी ये है, और जो अब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी, जो मल्टीप्लीकेशन की फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो भी ऐसे ही है, मीन्स मल्टीप्लीकेशन इज एसोसिएटिव, देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन डिनोटेड बाय वन सच दैट दिस एग्जिस्ट करेगा, और फिर यहाँ पर इन्वर्टिबल भी, तो यहाँ पर होगा जो वो होगा हमारे पास
जो मल्टीप्लीकेशन है वो है डॉट इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव। और इसका मीनिंग ये है कि जो ए डॉट बी है अगर हम उसका डॉट सी के साथ करें तो वह इक्वल होगा ए डॉट बी डॉट सी। ये है मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। और जो एम टू है वो हमारे पास है ये है देयर एग्जिस्ट एन आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट। और जो आइडेंटिटी एलिमेंट है विद रिस्पेक्ट टू जो ये हमारे पास डॉट मीन्स मल्टीप्लीकेशन सच दैट डिनोटेड बाय ई, डिनोटेड बाय ई, इसको हम ई से डिनोट करते हैं और सच दैट की ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी जो अगर हम ए की मल्टीप्लीकेशन करें ई के साथ वो इक्वल होगी ई डॉट ए और वो हमारे पास ए हो। और एक्चुअली में जो दैट इज जो ई है हमारे पास वो एक्चुअली में वन के बराबर होगी। क्यों? आप यहाँ कभी भी अगर हम वन की किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लीकेशन करें तो वो वही एलिमेंट होगा। ये है हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट। अब जो थर्ड प्रॉपर्टी इसकी ये है वो है फॉर एवरी एलिमेंट देयर एग्जिस्ट इनवर्स। तो हमने ये थर्ड प्रॉपर्टी ये फॉलो करनी है। तो यहाँ पर होगा ये एवरी एलिमेंट ऑफ, तो होगा एवरी एलिमेंट ऑफ एफ, और एफ यहाँ पर फील्ड है, हैज एन इनवर्स, हैज एन इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन फॉर एनी जो ए है वो बिलोंग्स करेगा फील्ड एफ में, लेकिन यहाँ से जो जीरो है वो हम निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि जो जीरो का इनवर्स इन्फिनिटी होता है और जो इन्फिनिटी है वो सेट में एग्जिस्ट नहीं करता। तो ये होगा ए बिलोंग्स टू एफ डिफरेंस जीरो सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ ए, और यहाँ पर एफ में से यहाँ पर भी हम जीरो निकाल लेंगे। तो ये होगा सच दैट ये होगा हमारे पास ए डॉट बी है इक्वल होगा बी डॉट ए के, और वो इक्वल हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट के होगा। और यहाँ पर जो हमारा एक्चुअली में बी आएगा वो वन ओवर ए आएगा, और जो बी है वो इनवर्स है ए का, और इसको ऐसे लिखते हैं जो बी है वो ए का इनवर्स है। तो अब हमने जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो ये है मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव। तो ये होगा मल्टीप्लीकेशन इज कम्यूटेटिव, तो ये होगा हमारे पास दैट इज जो ए इंटू बी है वो हमारे पास बी इंटू ए के बराबर है। तो फोर्थ प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा कोई भी फील्ड होगा, और फोर्थ प्रॉपर्टी ये होल्ड करेगा। और जो नेक्स्ट है हमारा वो ये है कि जो डी है वो है डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डॉट डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन। तो ये होगा जो डॉट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर एडिशन का, और इसका मीनिंग ये है जो ए प्लस बी में अगर डॉट करें सी के साथ तो वो होगा ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी, ये ऐसे होगा। और या फिर जो अगर हम ऐसा करें तो ए डॉट बी प्लस सी होगा, जो वो भी हमारे पास ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के बराबर होगा। तो ये हम कहेंगे कि जो मल्टीप्लीकेशन है वो डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी है फील्ड की। अब देखिए अगर हमारे पास कोई भी सेट है अगर वो एडिशन की फोर प्रॉपर्टी ओबे करेगा तो उसको कहेंगे हम अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अगर हम ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा तो उसको कहेंगे हम अबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और ये प्रॉपर्टी हमारे पास बाकी रह जाएगी। तो ये होगा हमारे पास
जो फील्ड है। अब इसका एक आप एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम रियल नंबर लें और उसमें अगर हम ऑपरेशन लगाएं आर पॉजिटिव, तो आप यहां ध्यान से देखिए, अगर हम इसे कोई भी एलिमेंट को चूज करें और वो इस तरह जोड़े कि दोनों एलिमेंट को पहले जोड़े और फिर बाद में सी जोड़े, और इसी प्रकार पहले दोनों एलिमेंट लास्ट के जोड़े और फिर ए जोड़े, तो ये हमें ऐसा ही इक्वल आएंगे, चाहे आप कुछ भी लेकर देख लीजिए। और इसी प्रकार जो आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो ही एग्जिस्ट करेगा, क्यों? क्योंकि अगर आप जीरो एलिमेंट किसी भी रियल नंबर में जोड़ देते हो तो रियल नंबर ही प्राप्त होगा। अब जो थर्ड है वो हमारे पास है इनवर्स, और जो इनवर्स है वो रियल नंबर में एग्जिट ही करता है अगर वो जीरो के बराबर, अगर जीरो है जो, अब मान लीजिए अगर टू है तो जो टू का इनवर्स होगा वो माइनस टू होगा, क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो एडिशन है वो आइडेंटिटी एलिमेंट मीन्स जीरो के बराबर होगा, तो ये प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। और सेकंड है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव ये है अगर हम थ्री प्लस टू को जोड़े तो ये भी फाइव होगा, और या फिर टू प्लस थ्री को जोड़े तो ये भी फाइव होगा, तो ऑर्डर ये मैटर नहीं करता, तो ये है हमारे एडिशन। और इसी प्रकार मल्टीप्लीकेशन है, अगर हम रियल में मल्टीप्लीकेशन लें तो एसोसिएटिव तो पता ही आपको, अगर हम वन इंटू टू इंटू थ्री करें और ये होगा, अगर हम इन दोनों को पहले मल्टीप्लीकेशन करें तो क्या वन इंटू टू टू इंटू थ्री, ये होगा सिक्स। और इसी प्रकार अगर हम वन क्रॉस टू क्रॉस थ्री करें तो ये होगा वन इंटू टू इंटू थ्री सिक्स, और ये हमारे पास सिक्स होगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं एसोसिएटिव भी होल्ड करेगा और आइडेंटिटी फंक्शन वन के बराबर है, क्यों? अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन वन को किसी भी एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वही एलिमेंट प्राप्त होगा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एम थ्री वो है जो जीरो है उसका इनवर्स कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन जो दूसरे एलिमेंट है उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब मान लीजिए अगर हमारे पास सेवन है तो जो इसका इनवर्स होगा वो वन ओवर सेवन होगा, वो हमारे पास वन ओवर सेवन होगा, क्यों? अगर हम इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन करें तो वो जीरो के बराबर, वो वन के बराबर हमेशा होगा। इसी प्रकार कम्यूटेटिव है, आप कोई भी दो एलिमेंट ले लीजिए और उनकी आप प्रोडक्ट कर दीजिए तो वो हमारे पास बराबर ही पाएगा। कम्यूटेटिव इसका मीनिंग ये है ए डॉट बी इक्वल्स ए बी डॉट ए, ये है हमारे पास, तो ये हो गया। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी तो होल्ड करेगा, लेकिन अब देखिए जो एग्जाम्पल है इसके वो ये है, अब आप नेचुरल नंबर लीजिए सबसे पहले, क्या नेचुरल नंबर ओबे करेगा? ये नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जीरो एलिमेंट ही नहीं है तो ये नहीं करेगा। अब अगर हम इंटीजर्स ले तो ये नहीं करेगा, इंटीजर्स ले सेट ऑफ इंटीजर्स तो ये प्रॉपर्टी तो ओबे करेगा, लेकिन जो मल्टीप्लीकेशन की प्रॉपर्टी ये है वो ओबे नहीं करेगा, तो अब हम कहेंगे जो ये है वो भी फील्ड नहीं है। इसी प्रकार अगर हम सेट ऑफ रेशन नंबर ले तो ये होगा, क्यों? क्योंकि ये एडिशन की प्रॉपर्टी सभी फॉलो करेगा, और यहाँ पर जो इनवर्स है वो भी एग्जिस्ट करेगा, तब हम कह सकते हैं कि ये है। इसी प्रकार रियल नंबर भी है, इसी प्रकार कॉम्प्लेक्स नंबर भी है, ये सभी है, ये तीन है जो वो हमारे पास इसके एग्जाम्पल है। तब हम अब आगे करेंगे, और हमारे पास जो क्यू है उसमें जीरो एग्जिस्ट नहीं करता, तो हम ये कह सकते हैं जो क्यू है इरेशनल नंबर नहीं होगा, रेशनल होगा लेकिन इरेशनल नंबर नहीं होगा। अब हम इससे रिलेटेड फील्ड से रिलेटेड कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे, और जो फील्ड है हम उसको भी डिस्कस करेंगे आगे। अब देखिए, अब हम जो फील्ड की डेफिनेशन है उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म में। तो हमारे पास जो ये है वो ये है, क्योंकि जो फील्ड की डेफिनेशन है वो बहुत ज्यादा जरूरी है लीनियर अलजेब्रा के लिए। तो सबसे पहले जो हम ये करेंगे कि एफ कोमा पॉजिटिव इज अबेलियन ग्रुप, इज अबेलियन ग्रुप, ये होगा। और हमने जो ग्रुप थ्योरी में अबेलियन ग्रुप है वो अच्छे से डिस्कस किया हुआ है, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हो। तो ये होगा अबेलियन ग्रुप। और सेकंड है जो वो हमारे पास एफ डॉट, एफ डॉट ये भी हमारे पास इज अबेलियन ग्रुप। दो प्रॉपर्टी ये होगी, और थर्ड है ये मीन्स डिस्ट्रीब्यूट ओवर, और ये आपने वैसे के वैसे ही उतारनी पड़ेगी, मीन्स डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यही है कि आप ऐसे एलिमेंट करो तो वो मिलेगा। तो ये हमारे पास है जो ये थर्ड प्रॉपर्टी, अगर कोई भी सेट ओबे करता है तब हम उसको कहेंगे कि वो सेट है जो हुआ हमारे पास फील्ड है। अब हम अगर आपको ये अबेलियन ग्रुप समझ में नहीं आता ना तो आप ग्रुप थ्योरी में भी जाकर देख सकते हो, वहाँ भी हमने अच्छी तरह से डिस्कस किया हुआ है। अब हम जो करेंगे नेक्स्ट करेंगे वो है इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को, अब हम इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक को क्लियर करेंगे और वो है हमारे पास ए सेट एफ फॉर बी। हाँ अब देखिए जो यही है वो लिखा है ए सेट एफ फॉर बी, फॉर बीच अगर ए वन से लेकर ए थ्री तक अगर प्रॉपर्टी होल्ड करेगा तो इसको हम कहेंगे ग्रुप, इसको एडिशन की जो इसको हम कहेंगे ग्रुप इस कार्ड, और या फिर एम वन से लेकर एम थ्री तक तो इसको कहेंगे हम ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप होगा जो जी कोमा एडिशन का होगा, और ये हमारे पास जो होगा वो जी कोमा मल्टीप्लीकेशन का होगा। तो आप इस बात को ध्यान रखिए कि ये होगा एडिशन का होगा, ये होगा मल्टीप्लीकेशन का होगा। तो सेकंड है जो एफ इज कॉल्ड ए रिंग, एफ इज कॉल्ड ए रिंग विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड डॉट, और यहां पर है मल्टीप्लीकेशन, इफ इट सेटिस्फाई, इफ इट सेटिस्फाई सेटिस्फाई ए वन से लेकर ए फोर तक और एम वन और एंड डी। अगर एडिशन की मीन्स ये अबेलियन ग्रुप भी होना चाहिए और यहां पर जो एम वन एसोसिएटिव भी होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन, और हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अगर ये होल्ड करेगा तब हम कहेंगे जो ये है वो हमारे पास अबेलियन, हमारे पास रिंग होगी। तो ये है हमारे पास। अब हम जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो थ्योरम सिक्स को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो थ्योरम सिक्स है सबसे पहले उसको लिख लेंगे थ्योरम, और ये थ्योरम है इफ एफ इज अ फील्ड, इफ एफ इज अ फील्ड कि हमारे पास जो कोई एफ है वो फील्ड है, देन फॉर ऑल, देन फॉर ऑल अगर ए बिलोंग्स करेगा हमारे पास फील्ड एफ में तो जो ए मल्टीप्लीकेशन जीरो होगा वो हमारे पास जीरो के बराबर ही आएगा। तो हमने जो ये प्रॉपर्टी है वो हमने प्रूव करनी है, तो अब हम यहां पर इसको प्रूव करेंगे। अब हम जो लेकर चलेंगे वो लेकर चलेंगे लेट, जो हम लेकर चलेंगे लेट जो ये होगा वो होगा ए डॉट जीरो, ये हमारे पास मान लीजिए b के बराबर है और हमने ये प्रूव करना है कि जो b है वो इक्वल जीरो के होगा। तो यहां से जो b होगा, यहां से जो b होगा वो हमारे पास a डॉट जीरो के बराबर है। अब देखिए यहां से ये इंप्लाई होगा जो b है वो इक्वल होगा अब a डॉट, अब जो जीरो है उसको मैं जीरो प्लस जीरो वैसे भी लिख सकता हूं। अब देखिए यहां पर ये इंप्लाई हुआ, अब जो ये है वो फील्ड है, अगर कोई भी फील्ड है तो वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑलवेज होल्ड करती है जो हमने डिस्कस किया। तो ये होगा b इक्वल a डॉट जीरो प्लस a डॉट जीरो। अब यहां से ये इंप्लाई होगा b इक्वल ये है तो वो b है और ये भी है तो वो b है, मींस जो b इक्वल b प्लस b होगा। तो ये हमने प्रूव कर दिया। अब हम इसका यूज नेक्स्ट में करेंगे जो है लेट, वी नो दैट, वी नो दैट अब हमने पढ़ा है जो वह बी पॉजिटिव
अब हम सभी जानते हैं कि अगर हम बी में एडिशन करें माइनस बी का तो वो हमारे पास जीरो के बराबर होता है। तब हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, जो बी है उसको हम बी प्लस बी लिख सकते हैं, तो ये होगा बी प्लस बी, और ये जो प्लस नेगेटिव ऑफ बी, ये इक्वल जीरो होगा। अब यहाँ से ये इंप्लाई होगा कि जो बी है, अब हम इसको इकट्ठा लिख सकते हैं, ये होगा बी प्लस नेगेटिव बी, ये होगा हमारे पास। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, बी को हमने सबसे पहले ये लिखा, फिर हमने ये दोनों को कंबाइन किया, क्यों? क्योंकि जो ये है वो एसोसिएटिव है, सबसे पहले हमारे पास ये थी, अब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे, क्यों? क्योंकि एसोसिएटिव है, तो यहाँ से ये इंप्लाई करेगा बी प्लस, अब बी और प्लस नेगेटिव बी ये जीरो के बराबर है, तो ये होगा जीरो, इक्वल जीरो। अगर हम बी में जीरो एडिंग करें तो हमें पता है ये बी के बराबर ही होगा, और यहाँ से इंप्लाई होगा जीरो, मीन्स जो बी का वैल्यू है वो ए डॉट जीरो है, वो हमारे पास बी के बराबर ही होगा, और यही हमने प्रूव करना था। अब हमारे पास जो नेक्स्ट डेफिनेशन है कुछ, और इसके बाद हमारा लेक्चर कंप्लीट है। अब हम जो नेक्स्ट करेंगे वो करेंगे इफ डेफिनेशन है, वही है, इफ ए इज ए फील्ड, इफ फोर, इफ फोर ए फील्ड एफ, ए फील्ड एफ देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट स्मॉल एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट, सच दैट जो एन ए है वो हमारे पास अगर जीरो के बराबर है, तो इसका मीनिंग ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर हमारे पास कोई फील्ड है और हम नेचुरल नंबर ले, अगर हम नेचुरल नंबर ले और उसको अगर हम कोई भी एलिमेंट फील्ड के साथ ऑपरेट कराएं और वो जीरो के बराबर आ जाए, तब फॉर ऑल, और यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ, और यहाँ पर सभी एलिमेंट हैं ए के वो यहाँ होने चाहिए, तो इसका मीनिंग ये, देन द लिस्ट, देन द लिस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर, लिस्ट सच पॉजिटिव इंटीजर एन इज कॉल्ड, एन इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक, द करैक्टर करैक्टर्स की होगा ऑफ द फील्ड, ऑफ द फील्ड एफ। और इसको एक और बार आप समझ लीजिए, अगर हमारे पास, अगर हम सभी एलिमेंट ले फील्ड के और उसको ऑपरेट कराएं, एन कोई एलिमेंट है नेचुरल नंबर है उसके साथ, और जो रिजल्ट है अगर वो जीरो के बराबर है, तो हमारे पास जो एन होगा, जो लिस्ट एन होगा पॉजिटिव, उसको हम कहेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फील्ड एफ। इसको हम ऐसे काउंट करेंगे। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, इफ नो पॉजिटिव इंटीजर एग्जिस्ट, इफ नो पॉजिटिव इंटीजर्स एग्जिस्ट, अगर हमने ऐसा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर नहीं मिला, वी से दैट द फील्ड इज ए, वी से दैट द फील्ड इज ए, फील्ड इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, इज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स आई एस कैरेक्टरिस्टिक्स जीरो। और इसका मीनिंग ये है कि अगर हमारे पास कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता ऐसा नेचुरल नंबर जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करे, तो हम कहेंगे कि फील्ड इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जीरो। तो ये होगी हमारे पास
अब जो लास्ट इम्पोर्टेंट है वो ये है, इट कैन बी प्रूव्ड, इट कैन बी प्रूव्ड दैट इफ ए फील्ड इज नॉट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स करेक्टर्स की जीरो देन इट्स करेक्टर्स की देन इट्स करेक्टर्स की हैज टू बी ए प्राइम नंबर हैज टू बी ए प्राइम नंबर प्राइम अब देखिए अगर हमारे पास इट कैन बी प्रूव्ड दैट अगर कोई फील्ड है उसकी कैरेक्टरिस्टिक जीरो नहीं है मींस ये कंडीशन वो फॉलो करेगी तब जो एन की वैल्यू हो जो हमारे पास एन की वैल्यू होगी वो प्राइम नंबर होगी। तो ये हमारा जो लेक्चर है वो आज का यही है। अब हम इसके बाद डिस्कस करेंगे समरी ऑफ दिस लेक्चर। अब हम जो आज के हमारे लेक्चर की समरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो समरी है, अब हमने जो सबसे पहले डिस्कस किया वो किया विद द डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन। तो ये हमारे पास फंक्शन। अब एक्चुअली में जो फंक्शन है वो एक रूल है जो कनेक्ट करता है दो सेट को आपस में। तो ये हमारे पास है फंक्शन और इसको डिनोट करते हैं एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसको ऐसे हम डिनोट करते हैं, ये हमारे पास होता है फंक्शन। और उसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो किया इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। जो ए सेट है वो हमारे पास होता है डोमेन और जो बी सेट होता है वो होता है हमारे पास कोडोमेन होता है। और जो रेंज है वो हमेशा ही सबसेट होती है कोडोमेन की, ये हमारे पास। हाँ कभी कभी ये भी हो सकता है कि जो रेंज है वो इक्वल भी हो जाती है कोडोमेन की। और इसके बाद फिर हमने डिस्कस किया टाइप ऑफ फंक्शन। तो फिर टाइप ऑफ फंक्शन और जो टाइप ऑफ फंक्शन है उसमें हमने डिस्कस किया फर्स्ट है वन वन और उसमें ये कंडीशन होती थी अगर हमारे पास अगर इफ ए वन डज नॉट इक्वल है ए टू के तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि जो एफ ऑफ ए वन है वो इक्वल नहीं होगी एफ ऑफ ए टू से, ये इसकी डेफिनेशन थी। या फिर अगर एफ ऑफ ए वन अगर हमारे पास ए वन इक्वल है ए टू के तो यहाँ से ये इम्प्लाई करेगा कि जो एफ ऑफ ए वन इक्वल होगी एफ ऑफ ए टू। और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं फर्स्ट वाले को, अगर जो एलिमेंट है वो इक्वल नहीं है तो इसकी इमेज भी इक्वल नहीं होगी, अगर एलिमेंट इक्वल है तो जो इसकी इमेज है वो इक्वल होगी। और फिर इसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो किया ऑन टू फंक्शन पर, ऑन टू फंक्शन और हमने उसमें ये डिस्कस किया कि अगर रेंज है कोई भी फंक्शन की वो हमारे पास कोडोमेन के बराबर हो जाए, कोडोमेन के बराबर हो जाए तब हम इस फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। अब उसके बाद जो है आइडेंटिटी फंक्शन, और आइडेंटिटी फंक्शन ये कहता है कि जो मेरी इनपुट है वही आउटपुट होनी चाहिए। और यहां से आइडेंटिटी फंक्शन ऑफ ए एक्स इक्वल्स एक्स ही होता है या फिर एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स, मीन्स जो इनपुट है वही हमारे पास आउटपुट होनी चाहिए। और फिर आ गया कॉन्स्टेंट फंक्शन, कॉन्स्टेंट फंक्शन, और जो कॉन्स्टेंट फंक्शन है वो ये है एफ एक्स इक्वल्स सी। और यहां पर ये मीनिंग है कि अगर मेरी इनपुट कुछ भी डाल दो लेकिन मुझे रिजल्ट एक ही देना है, मींस अगर मेरी इनपुट कुछ भी हो, इसकी इनपुट कुछ भी हो चाहे तो उसकी आउटपुट सिंगल एक ही होगी। तो ये होगा हमारे पास वो। और फिर इसके बाद हमने किया डेफिनेशन एक, और जो डेफिनेशन थी वो ये थी इफ एफ ऑफ जी, अगर हमारे पास जो एफ ऑफ जी है
वो आ जाए आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन बी, और जी ऑफ एफ वो आ जाए हमारे पास आइडेंटिटी ऑफ फंक्शन ए। तो जो एफ होगा वो जी का इनवर्स होगा, या फिर जो जी होगा वो हमारे पास एफ का इनवर्स होगा। अगर हमने मान कर चले यहाँ पर इफ एफ इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और इसके बाद हमने जो मेन इंपॉर्टेंट थ्योरम है वो डिस्कस की, एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इज इन्वर्टिबल इफ एंड ओनली इफ, यहां से डबल इंप्लीकेशन, इफ एंड ओनली इफ एफ इज बाइजेक्टिव, एफ इज बाइजेक्टिव, और बाइजेक्शन या फिर बाइजेक्टिव, और बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है, बाइजेक्टिव फंक्शन वो होता है जो हमारे पास वन वन भी हो, वन वन भी हो, और हमारे पास ऑन टू भी हो, ये हमारे पास होता है बाइजेक्टिव फंक्शन। और फिर उसके बाद जो हमने डिस्कस किया वो किया बाइनरी ऑपरेशन, और इसके बाद हमने सबसे पहले फिर डिस्कस किया कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, कंपोजिशन, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के बारे में हमने ये किया कि अगर हमारे पास एच एक्स कोई फंक्शन है तो वो हमारे पास जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, ऐसा भी हम उसको लिख सकते हैं। तो ये है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। फिर इसके बाद जो डिस्कस किया वो किया बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन, और जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ये है, एफ कोई फंक्शन है और वो ए कोमा बी से लेकर इसमें कुछ ऑपरेशन लगता है ए स्टार बी, जो हमारे पास सी वैल्यू देता है, और ये वैल्यू हमारे पास यूनिक होती है, और जो सी है वो बिलोंग्स करता है हमारे पास सेट एस में, मीन्स जो हमारे पास फंक्शन है वो एस क्रॉस एस से एस में होता है, और ये होती है हमारी डोमेन, और ये होती है हमारी रेंज फंक्शन की। तो इसको हम बाइनरी ऑपरेशन को ऐसे डिफाइन करते हैं। अब जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन है उसकी प्रॉपर्टी है कुछ, वो है सबसे पहले क्लोज्ड, क्लोज्ड, और जो टी है वो सबसेट है एस का। तो हमारे पास क्लोज्ड कब होगा, अगर टी वन को ऑपरेट करें हम टी टू के साथ, और जो हमारे पास रिजल्ट आए वो अगर टी वन में बिलोंग्स करे, और फॉर ऑल टी वन कॉमा टी टू अगर टी में ही टी के ही एलिमेंट हो, तब हम कहेंगे कि जो स्टार है वो क्लोज्ड है। उसके बाद हमने डिस्कस किया एसोसिएटिविटी, एसोसिएटिविटी, और एसोसिएटिविटी ये है, अगर ए स्टार बी और फिर स्टार सी इक्वल हो ए स्टार बी स्टार सी के, तो वो उस एलिमेंट को, उसको हम कहेंगे बाइनरी ऑपरेशन को एसोसिएटिव। और फिर इसके बाद है कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव, और जो कम्यूटेटिव है वो ये है, अगर जो ऑर्डर है वो मैटर नहीं करता, मीन्स ए स्टार बी इक्वल होगा हमारे पास बी स्टार ए के। तो ये है हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। और फिर हमने दो ऑपरेशन किए, वो है डिस्ट्रीब्यूटिव के, तो हमारे पास जो वह डिस्ट्रीब्यूटिव के, और जो डिस्ट्रीब्यूटिव के वो है, अगर हमारे पास स्टार और ओ ये दोनों ही बाइनरी ऑपरेशन है, तो जो ये होगा ए स्टार बी ओ सी ये होगा, या फिर जो ये होगा बी ओ सी और फिर इसके साथ बाइनरी ऑपरेशन ए, तो जो ये हमारे पास इक्वल होगा, अगर जो ए स्टार है सबसे पहले ऑपरेट करेगा बी के साथ, फिर जो ए स्टार है ऑपरेट करेगा सी के साथ, और इसी प्रकार ए स्टार सबसे पहले बी के साथ ऑपरेट करेगा, ए स्टार फिर बाद में सी के साथ ऑपरेट करेगा, अगर ये इक्वल हो, मीन्स ए स्टार बी ओ ए स्टार सी, या फिर बी स्टार ए ओ सी स्टार ए, ये होगा, तब हम कहेंगे कि जो स्टार है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा ओवर ओ, मीन्स स्टार डिस्ट्रीब्यूट ओवर ओ। तो ये थी हमारे पास, अब हमने जो इसके बाद डिस्कस किया वो किया थ्योरम फाइव, और थ्योरम फाइव ये कहती है कि जो आइडेंटिटी फंक्शन है, जो आइडेंटिटी फंक्शन ई है, और हमारे पास जो इनवर्स है,
जो किसी भी एलिमेंट का इनवर्स है, ये दोनों ही यूनिक होते हैं, ये हमारे पास तो हमेशा ही यूनिक होंगे। तो ये हमने डिस्कस किया, और फिर इसके बाद थ्योरम फिफ्थ को करने के बाद हमने जो डिस्कस किया वो किया फील्ड के बारे में, और फील्ड की कुछ प्रॉपर्टी हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर कोई फील्ड एफ है इज सेड टू बी फील्ड, अगर एफ कॉमा पॉजिटिव इज अबेलियन, कि वो अबेलियन ग्रुप होगा। और जो सेकंड ये है एफ कॉमा क्रॉस या हम एफ डॉट, ये भी हमारे पास क्या होगा, अबेलियन होगा। और सेकंड है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगा। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप जानते ही हो, अगर हमारे पास ए है तो यहां पर बी प्लस सी होगा, जो वो होगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, या फिर बी प्लस सी और इसकी अगर हम डॉट करें ए के साथ तो बी डॉट सी, बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ये होगा। और ये है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज। और फिर इसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो किया थ्योरम सिक्स, और जो थ्योरम सिक्स है वो ये कहती है कि अगर हमारे पास कोई ए है, अगर हम कोई भी एलिमेंट है उसके अगर हम प्रोडक्ट करें जीरो के साथ तो वो जीरो ही होती है। तो हमने ये डिस्कस किया, और फिर इसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो ये किया, अगर हमारे पास कोई एन है जो बिलोंग्स करेगा नेचुरल नंबर से, अगर हम उसकी डॉट प्रोडक्ट करें ए के साथ, अगर वो जीरो आ जाए तब जो एन होगा वो हमारे पास होगा करैक्टरिस्टिक ऑफ अ फील्ड। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट है। हाँ, अगर आपको ये लगता है कि हमने जो डिस्कस किए, फर्स्ट किया फंक्शन और फिर किया बाइनरी ऑपरेशन, तो अगर आपको ये लगता है कि जो फंक्शन की डेफिनेशन है और बाइनर की डेफिनेशन है उसके अगर कॉन्सेप्ट कुछ आपके रह जाते हैं, तो हमने जो ग्रुप थ्योरी में लेक्चर है फंक्शन के ऊपर अलग लेक्चर बनाया हुआ है, और जो बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर अलग लेक्चर बनाया हुआ है, तो आप वहां से देखकर इसको भी कर सकते हो। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो यहीं पर कंप्लीट होता है। सो थैंक यू।